Hey, what's up guys? We are back with a new video. So guys, OnePlus कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज किया है OnePlus 11 के लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ एंड कितना टाइम लगेगा वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड इसके अलावा कौन से चेंज लॉक देखने को मिलने वाले हैं तो आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो आखिर तक जो देखना। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफी OnePlus व्यूअर्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, ये है OnePlus 11, करंटली रन कर रहा है ऑक्सीजन OS 13 एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट 5 फेब 2023 एंड सॉफ्टवेयर वर्जन देखने को मिल रहा है आपको 8.08। अब जो सॉफ्टवेयर वर्जन आने वाला है ये 8.09 रहने वाला है। तो गाइस, करंटली यहाँ पे मुझे कोई यहाँ पे OTA अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को अगर चेक करना है तो मैन्युअली जाके आप लोग चेक कर सकते हो अबाउट सेक्शन में जाके आपके फोन में। करंटली अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैं ऑक्सीजन अपडेट एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था अपडेट रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टम अपडेट अवेलेबल, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन देखने को मिल रहा है 8.09 एंड यहाँ पे डेट देखिए 2023 मार्च 24। और यहाँ पे क्या चेंज लॉग देखने को मिल रहे हैं वो वन बाय वन हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं। दिस अपडेट इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड फिक्सेस सम नोन इश्यूज। सिस्टम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंटीग्रेट्स द मार्च 2023 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू इनहांस सिस्टम सिक्योरिटी, इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, एक्सपांड द कंपेटेबिलिटी ऑफ एंड्रॉइड ऑटो, फिक्स एन इश्यू वेयर आइकॉन्स इन क्विक सेटिंग्स माइट ओवरलैप। कम्युनिकेशन में यहाँ पे इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी ऑफ ब्लूटूथ कनेक्शंस, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी ऑफ वाईफाई नेटवर्क कनेक्शंस, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस फॉर अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। कैमरा में यहाँ पे देखिए, इम्प्रूव एक्सपोजर एडजस्टमेंट इन मूवी मोड। तो यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे OnePlus ने मेंशन की चेंज लॉग में। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे फिक्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो है क्विक सेटिंग्स पैनल में यहाँ पे आइकॉन्स यहाँ पे ओवरलैप होते थे। तो गाइस, ऐसा मुझे यहाँ पे अभी करंटली तो फेस नहीं हुआ है, अगर मुझे ऐसा कोई यहाँ पे इशू फेस होता तो मैं आप ये स्क्रीनशॉट ले लेता एंड आप लोगों को भी बता देता। कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे चेंज लॉग में इस बारे में मेंशन किया है। और यहाँ पे मूवी मोड में यहाँ पे एक्सपोजर का एडजस्टमेंट किया गया, तो मैंने यहाँ पे एक मूवी मोड का एक वीडियो कैप्चर कर लिया है एंड जैसे यहाँ पे मैं अपडेट करने के बाद एक और वीडियो को कैप्चर करके देखूंगा तो उनमें कोई भी यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो गाइस, हम यहाँ पे अपने OnePlus 11 को अपडेट करते हैं लेटेस्ट वर्जन में, जो है 8.09 एंड इसका अपडेट साइज देखने को मिल रहा है 243 MB। बेसिकली ये 243.20 रहने वाला है, ठीक है। काफी लोगों को यहाँ पे OTA अपडेट भी मिल रहा है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ पहले। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे OTA अपडेट शो हो रहा होगा, तो सिंपल आपको डाउनलोड पर टैप करना है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका अपडेट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे मैन्युअली अपडेट करना है, तो इसके लिए हमको जाना होगा ऑक्सीजन अपडेटर एप्लीकेशन फिर से एंड यहाँ पे सिंपली डाउनलोड अपडेट पे टैप करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप वाईफाई कनेक्शन पे हो तो ये वाला जो अपडेट ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 MB यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो हम साइड बाय साइड क्या करते हैं, स्टॉपवॉच को भी एनेबल कर देते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे अपडेट फाइल को यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया, कुछ 50 सेकंड लगे मुझे वाईफाई कनेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड आपको बताया जाएगा ऑक्सीजन अपडेटर की तरफ से कि आप लोगों को कैसे इंस्टॉल कर लेना है। काफी लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी आइडिया होगा कैसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है OnePlus स्मार्टफोन्स में लोकल अपडेट के द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है आपको, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्सीजन अपडेटर एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, अबाउट डिवाइस पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे वर्जन पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर पे आपको 7 times टैप करना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक इन पासवर्ड पूछेगा, तो उसको अनलॉक कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यू आर इन नाउ डेवलपर मोड। उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है अबाउट डिवाइस में, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ओएस पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स होगा, तो यहाँ पे आपको अपडेट वैसे शो नहीं हो रहा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैन्युअली अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 dots पे आपको सिंपल टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोकल इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपल इस पे टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको वही वाली फाइल लोकेट करनी है, ठीक है, जो हमने अभी रिसेंटली डाउनलोड की ऑक्सीजन अपडेटर से। तो इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 255 MB की देखने मिल रही है, 254 MB की फाइल थी, तो यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीका OTA अपडेट यहाँ पे शो हो रहा है, बट ये मैन्युअली हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग बैकअप जरूर लेना। वैसे बैकअप की जरूरत नहीं होती, वैसे इंक्रीमेंटल अपडेट है तो डेटा तो डिलीट नहीं होता है, बट एक सेफ साइड रहने के लिए हम लोग यहाँ पे बैकअप आपको ले लेना चाहिए। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपडेट साइज एक्चुअल में देखने को मिल रहा है 243.20 MB एंड यहाँ पे 8.09 अपडेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉपवॉच बिगिन कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे टैप करूंगा, ठीक है, देखते हैं एक्चुअल कितना समय लगता है इस अपडेट को इंस्टॉल होने में। एंड ऊपर साइड में यहाँ पे लिखकर आ चुका है प्रिपेयरिंग सिस्टम अपडेट, प्लीज वेट। तो
गाइस यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुका है कुछ 4 मिनट में, एंड अब यहाँ पे वेरीफाइंग हो रहा है, ठीक है। जैसे ये वेरीफाइंग हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे हमको रिस्टार्ट नाउ पे टैप करना होगा। गाइस यहाँ पे देखिए वेरीफाइंग 100% हुआ, उसके इंस्टॉल नाउ का बटन देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे हमको इंस्टॉल नाउ पे टैप कर देना है। तो गाइस यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे वेरीफाइंग होकर कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए हमारा फोन यहाँ पे हमारा फोन रिस्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है हमारा फोन, और यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन के फील आया, एंड यहाँ पे देखिए OnePlus का लोगो देखने को मिल रहा है, एंड नीचे लिखा हुआ पावर्ड बाय एंड्रॉइड। यहाँ पे मेन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है जो रहने वाला है अपडेट इंस्टॉलेशन। इसके पहले हमें यहाँ पे डाउनलोड किया, उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई हुआ, अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए OnePlus का बूट लोगो देखने को मिल रहा है। तो गाइस सक्सेसफुल यहाँ पे अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मुझे लगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन को ज्यादा टाइम लगेगा, बट बिल्कुल भी नहीं लगा। तो कुछ गाइस आपको यहाँ पे कुछ 6 मिनट लगने वाले हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोन को अनलॉक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फोन को अनलॉक कर दिया, और पहले यहाँ पे मुझे बग देखने को मिल रहा है विजेट के साथ, बट ये अपने आप ही ठीक हो गया। शायद से फोन यहाँ पे चालू हो रहा है, प्रोसेस को सभी चीजों को लोड कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर साइड यहाँ पे फिनिशिंग सिस्टम अपडेट तो लिख कर नहीं आया है, तो सेटिंग्स में चलते हैं, एंड अबाउट सेक्शन में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं वर्जन में, एंड यहाँ पे देखिए 8.09 अपडेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अबाउट दिस वर्जन पे टैप करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिसेंट चेंज लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं मार्च 2023 का सिक्योरिटी अपडेट आया कि नहीं आया। तो उसके लिए हमने चल जाना है एंड्रॉयड वर्जन में, एंड यहाँ पे देखिए 5th मार्च 2023 का यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल रहा है। मैं फोन का थोड़ा यूज करता हूँ, एंड क्या चेंजेस किए हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ, बेंचमार्क टेस्ट आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गीक बेंच, एंड्रॉइड बेंचमार्क, एंड सीपीयू थ्रॉटलिंग शायद मैं रिव्यू वीडियो में करूंगा, पता नहीं आप लोगों को इसी वीडियो में शायद देखने को भी मिल सकता है। तो मैं जल्दी से मिलता हूँ आपको। तो गाइस आधा घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, मैंने यहाँ पे सभी बेंचमार्क टेस्टिंग भी कर ली, एंड बाकी चीजें भी चेक कर ली, बट इन डेप्थ रिव्यू का वेट कर रहे हैं आप लोग। गाइस अब मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यहाँ पे रिफ्रेश रेट का जो प्रॉब्लम था यूट्यूब एंड अदर एप्लीकेशन के साथ, वो अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑन कर लिया डेवलपर ऑप्शन से, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले यूट्यूब में चलते हैं, एंड यहाँ पे देखिए ये 60 हर्ट्ज पे ही कैप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे आप फोटोज एप्लीकेशन में जाते हो, यहाँ पे भी 60 हर्ट्ज पे कैप है, ठीक है। बट ये अपने आप यहाँ पे अपना स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो अपने आप 10-30 शिफ्ट होता रहता है, मोस्टली 10 पे रहता है, ठीक है, जब यहाँ पे आप लोग फोन यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पे बैटरी कंजप्शन कम होता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने सभी बेंचमार्क टेस्टिंग कर ली है, गिग बेंच, एंड्रॉइड बेंचमार्क, उसके बाद यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया है। तो हम क्या करेंगे, पिछले अपडेट के जो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है उनसे यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैं गिग बेंच के स्कोर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो गाइज यहाँ पे देखिए सिंगल कोर ने स्कोर किया है 969, उसके बाद यहाँ पे मल्टी कोर ने स्कोर किया है 3511, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जीपीयू कंप्लीट बेंचमार्क भी रन किया था, तो यहाँ पे देखिए 8534 स्कोर किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड बेंचमार्क भी यहाँ पे मैंने रन किया था, तो यहाँ पे देखिए 8,53,975 स्कोर किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग भी टेस्ट रन किया था, तो यहाँ पे 15 मिनट्स का रन किया था, जो इसके नॉर्मल 20 थ्रेड एंड 15 मिनट्स का जो टेस्ट होता है वो रन किया था। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू थ्रॉटल अप टू 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे येल्लो नीचे नहीं गया ये बिल्कुल भी, ठीक है। बट यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कम देखने को मिल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों को कंपेयर करके जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज राइट साइड में 8.08 का अपडेट का यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर है, जिसमें यहाँ पे सिंगल कोर ने स्कोर किया था 1112, एंड मल्टी कोर ने स्कोर किया था 4007। और यहाँ पे देखिए जो अभी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कम स्कोर देखने को मिल रहा है। अब ये रीज़न भी हो सकता है कुछ यहाँ पे अपना सीपीयू अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे कैप कर रहा होगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मेरा फ़ोन गर्म हो चुका था आफ्टर अपडेट, तो मैंने इन तुरंत यहाँ पे इस गिग बेंच एप्लीकेशन को रन कर दिया था, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को रिव्यू वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि ये स्कोर एक्चुअल में चेंज होता है नहीं होता है, क्योंकि मैंने एक ही बार यहाँ पे ये वाला बेंचमार्क रन किया है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जीपीयू कंप्लीट बेंचमार्क देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8.08 ने यहाँ पे स्कोर किया है 8,359। उसके बाद यहाँ पे 8.09 अपडेट है जो रिसेंट वाला अपडेट है, तो यहाँ पे देखिए 8,534। तो यहाँ पे बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहा है रिसेंट अपडेट में जीपीयू परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट चलते हैं एंड्रॉइड बेंचमार्क। तो गाइस यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क का यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3D बेंच के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया था। तो नेक्स्ट वाला जो भी OT अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को उसमें यहाँ पे कंपेयर करके बता दूंगा।
तो अब चलते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में। तो यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट है जो है 8.08। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 91% यहाँ पे मैक्स परफॉर्मेंस में गया था, एंड यहाँ पे जो रिसेंट अपडेट है यहाँ पे 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस तक गया था सीपीयू थ्रॉटलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जिप स्कोर आप यहाँ पे आप लोग कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखिए पिछले वाले में एवरेज जिप स्कोर यहाँ पे देखने को मिले थे 260,781, एंड यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एवरेज में 258,466 जिप स्कोर। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस कम की है ड्यू टू सम reasons। अब यहाँ पे हमको एक्चुअल परफॉर्मेंस में पता चलेगा, जैसे मैं डेली यूसेज में इसको यूज करूंगा, गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे गेम में यहाँ पे FPS लैग देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है BGMI में, एंड कुछ दिन में यहाँ पे मैं एक रिव्यू वीडियो के साथ भी आ जाऊंगा। और इन्होंने जो चेंज लॉग में काफी चीजें मेंशन की, ब्लूटूथ कनेक्शन में कंपेटेबिलिटी स्टेबिलिटी लाई गई है, उसके बाद यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन में है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो गाइज एक चीज बता दूं, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इन तीनों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी बिफोर द अपडेट। ठीक है, आफ्टर द अपडेट यहाँ पे प्रॉब्लम आती नहीं आती, देखते हैं। यहाँ पे पहले उन्होंने फिक्स किया ऐसा बोला गया है, उसके बाद यहाँ क्विक सेटिंग्स पैनल्स की बात की गई थी कि दैट आइकॉन्स ओवरलैप होते हैं, तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोगों के साथ हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी मुझे इन अपकमिंग डेज में ही पता चलेगी, तो मैं रिव्यू वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पे मूवी मोड के बारे में बात की जाए तो मुझे इसे थोड़ा अच्छे से टेस्ट करना होगा, तभी हमको पता चलेगा। वैसे मैं ये मूवी मोड वगैरह यूज तो करता नहीं हूँ। तो कैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जो करना, शेयर जो करना, कमेंट करना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हूँ 1+11 तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। दिस द न्यू वेव, टर्न इट अप। आई एम इन द बैक सीट चिलिंग विद योर गर्ल, व्हाट्स अप, शी वांट टू टॉक ऑल डे बट आई एम नॉट इन द मूड, आई एम ट्राइंग टू डांस ऑल नाइट, आई गॉट समथिंग टू डू, आई मेक हिट्स फॉर द पीपल एट होम इन द रूम्स, लुकिंग फॉर अ रीजन टू गेट आउट ऑफ इट सून, फाउंड मी ऑन द इंटरनेट जस्ट मेकिंग सम मूव्स. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle. She popped that. I'm off that.